वीडियो के द्वारा जांच किया जाएगा, उस पर उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। बर्बरता पूर्वक जिन पुलिसकर्मियों ने हमारी बहनों के साथ और हम पे लाठी चार्ज किया, कि यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक उनकी बर्खास्तगी नहीं होती और वो जेल तक नहीं जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ गरिमा भारती। 9 दिसंबर को पटना विश्वविद्यालय की छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के बाद पूरा पटना विश्वविद्यालय आक्रोश में है। कल पटना विश्वविद्यालय के छात्रों ने कारगिल चौक पर धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद कई सारे छात्रों की गिरफ्तारी हुई, उसमें से पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष मनीष कुमार भी थे। आज उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की है, बातचीत की है, क्या कुछ कहा है आप सुनिए। मनीष, कल लाठी चार्ज हुई आप पर भी, उसके बाद आप जेल गए, क्या कुछ हुआ वहाँ पर? देखिए, अभी हम माननीय मुख्यमंत्री साहब से मिल के आ रहे हैं, आधा से 45 मिनट का हम लोग का मुलाकात हुई। हमने विश्वविद्यालय की तमाम समस्याओं पर चर्चा करते हुए बीएन कॉलेज की छात्रा के साथ जिस तरह से दर्दनाक गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया, उस पर भी हमने माननीय मुख्यमंत्री साहब से बातचीत की। उसके बाद जब न्याय की गुहार लगाते हुए हम लोग सड़क पर उतरे, तब बर्बरता पूर्वक जिन पुलिसकर्मियों ने हमारी बहनों के साथ और हम पे लाठी चार्ज किया, उस घटना की भी जानकारी हमने माननीय मुख्यमंत्री साहब को दी और हमने मांग की है कि सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और कल की लाठीचार्ज की घटना में स्वर्ण प्रभाकर जो एएसपी शामिल हैं और जो भी यहां के पुलिस अधिकारी शामिल हैं, सब पे कानूनी कार्रवाई हो, सभी को बर्खास्त किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि सभी आरोपियों को जेल भेजा जाएगा और जो भी संलिप्त हैं इस घटना में, अधिकारी पदाधिकारी, उन सब पे भी एक कमेटी बना के जाँच की जाएगी। जी, लड़कियों पर जो लाठीचार्ज हुई उस पर क्या कहा मुख्यमंत्री ने जब आपने उनको बताया? उन्होंने कहा है कि जो भी पुलिसकर्मी घटना में शामिल हैं, वीडियो के द्वारा जांच किया जाएगा, उस पर उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी, आज फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं पीयू के छात्र, आप आज भी उसमें शामिल हैं? ये प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक सभी आरोपियों को जेल ना भेज दिया जाए, उन पर उचित कार्रवाई न की जाए। और जो भी पुलिसकर्मी दोषी हैं कल की घटना को लेकर, मैं उन्हें बता दूँ कि यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक उनकी बर्खास्तगी नहीं होती और वो जेल तक नहीं जाते हैं। तो सुना आपने, छात्र संघ के अध्यक्ष मनीष कुमार ने नीतीश कुमार से बातचीत की है, करीब 45 मिनट तक उनकी बात मुख्यमंत्री से हुई। मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा और उन्हें सजा दिलाई जाएगी, साथ ही साथ जिन अधिकारियों ने छात्राओं पर डंडे बरसाए हैं उनको लेकर भी कार्रवाई जल्द होगी। बहरहाल, बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप लाइव सिटीज के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद। वीडियो के द्वारा जांच किया जाएगा, उस पर उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। बर्बरता पूर्वक जिन पुलिसकर्मियों ने हमारी बहनों के साथ और हम पे लाठी चार्ज किया, कि यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक उनकी बर्खास्तगी नहीं होती और वो जेल तक नहीं जाते हैं।